नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। समय है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करते हैं। राजधानी के टूटू क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, गुस्साए लोगों ने रोक दी ट्रेन। पुलिस ने शुरू की जांच, युवक ने कान में लगाए थे एयरफोन, ट्रेन के आने का पता नहीं चल पाने के कारण हादसा। जंजैहली के साथ लगते गांव डोवला में मकान राख, पल भर में 30 लाख का नुकसान, घर में रखे नकदी जेवरात भी स्वाहा। कसौली रोड पर फिर दिखा तेंदुआ, आसपास के लोगों में दहशत, लोगों की मांग तेंदुए को पकड़ने का इंतजाम करे वन विभाग। कुफरी के निकट घने कोहरे के चलते 7 गाड़ियों में टक्कर, कई लोगों को आई चोटें, गाड़ियों को भी भारी नुकसान। उपमंडल ज्वाली के अधीन खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों ने मौके पर जब्त की 2000 ट्रॉली रेत, बजरी व पत्थर। अधिकारी बोले, कुछ दिनों में निविदा आमंत्रित कर की जाएगी रेत बजरी की नीलामी, आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा खनन विभाग। आईजीएमसी शिमला के समीप देखते ही देखते मलबे का ढेर बना एक विशाल भवन, बेतरतीब निर्माण के चलते गिरी बिल्डिंग। आईजीएमसी परिसर में बन रही नई पार्किंग के कारण गिरा भवन, मेडिकल कॉलेज का कचरा रखने के लिए बनाया गया था स्टोर। स्वारघाट के पास गांव थापना में 4 लेन की ब्लास्टिंग से कांपे आसपास के गांव, प्राइमरी स्कूल पंगा सहित कई मकानों में आई दरारें। जीसी दौलतपुर चौक में हिमाचल प्रदेश सवर्ण जयंती समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने भी बिखेरा आवाज का जादू। वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए उपायुक्त हमीरपुर ने खुद संभाला मोर्चा, भोरंज में टीमों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दे रही दस्तक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ खेतों में जाकर लगाई जा रही दूसरी डोज। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने ली भाषा अध्यापक की लिखित परीक्षा, एग्जाम के लिए प्रदेश भर में बनाए 21 सेंटर। भाषा अध्यापक के 9 पदों को भरने के लिए 4901 अभ्यर्थियों को जारी हुए थे कॉल लेटर, कोविड नियमों के अनुसार हुआ एग्जाम। प्रदेश के प्रवेश द्वार कस्बा महतपुर में पहुंची, हरिद्वार से शुरू हुई सवर्ण अधिकार यात्रा, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ऊना में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में यूपी की एक टीम को खेलने का मौका न मिलने से खफा खिलाड़ियों ने डीसी आवास के बाहर किया अनशन। पौंटा शिलाई नेशनल हाईवे पर काम कर रही कंपनी की मनमानी, खेतों में मलबा फेंकने से खफा ग्रामीणों ने लगाए नारे। कांगड़ा के गगवाल में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने आए बिजली बोर्ड के मुलाजिमों का घेराव, लोगों ने गाड़ी से उतारने नहीं दिया ट्रांसफार्मर। लोग बोले, इस ट्रांसफार्मर से नहीं चलेंगी सिंचाई की मोटरें और आटा चक्की, जल्द लगाया जाए 100 केवी का ट्रांसफार्मर। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।